सनातन धर्म क्या एक बीमारी है? सनातन धर्म क्या जड़ से मिटना चाहिए? सनातन धर्म क्या समाज विरोधी है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, आज सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि करुणानिधि के पोते मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खुद खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का जो तिरस्कार किया है उसके बाद से देश भर में बवाल मच गया है। नए भारत में नफरत की मौजूदगी और इसमें मोहब्बत की दुकान चलाने की बात तो राहुल गांधी खूब करते हैं, लेकिन आज जब विपक्षी एकता में मौजूद डीएमके की तरफ से सनातन धर्म को मिटाने की बात कही गई, सनातन की तुलना कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से हुई तो विरोधी एकता के 28 दलों को साफ सुन गया। खुद को कौल ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी भी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर कुछ नहीं बोल सके, लेकिन जब सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बोल जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य के कानों तक पहुंचे, उन्होंने तुरंत डीएमके का भविष्य बता दिया। मन की आंखों से भविष्य की तस्वीर देखने वाले जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने न सिर्फ मंत्री उदयनिधि स्टालिन को मूर्ख कहा बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसमें न सिर्फ डीएमके बल्कि मोदी विरोध में उठे विपक्षीय गठबंधन इंडिया के अंत की शुरुआत देखी जा सकती है। भविष्यवाणी के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को किस प्रकार से तिरस्कृत किया है, क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ये है तमिलनाडु राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने के बीते दिनों चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे पर जो कहा वो आप पहले जान लें। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। हमारा पहला काम सनातन को हटाना है, ना कि केवल उसका विरोध करना। सनातनम नाम संस्कृत से आया है। सनातनम समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इसका मतलब है कि वो चीजें जो स्थायी हो, यानी ऐसी चीजें जो कभी ना बदली जा सके, जिस पर कोई सवाल ना उठाए, यही सनातन का अर्थ है। तो सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल चुके मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि अब अपनी सफाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे रहे हैं। अब ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में नरसंहार शब्द का जिक्र नहीं किया और सनातन के खिलाफ नहीं बोला। अब अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि जैसे पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेसियों की हत्या करने के लिए कह रहे हैं, उसी तरह वो सनातन धर्म पर बोले। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और अब इन भाई साहब को कौन समझाए कि मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। अब अपनी सफाई में देखें, ये लाख दावे कर ले, लेकिन सनातन धर्म को लेकर डीएमके की सोच को असल में उदयनिधि स्टालिन ने उजागर कर दिया और इसी सोच पर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी भी सामने आ चुकी है। 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता, 22 भाषाओं के ज्ञाता, देव भविष्यवाणी करने वाले जगतगुरु राम भद्राचार्य का इस पर यह कहना है, उदयनिधि स्टालिन मूर्ख है, सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे, ये धर्म एक विश्वास है। सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ पर नारी को माँ माना जाता है, जहाँ पर द्रव्य को मिट्टी ढेला माना जाता है, जहाँ चींटी को भी आटा खिलाते हैं, वो धर्म डेंगू मलेरिया कैसे हो गया? मानवता की रक्षा होनी है तो सनातन धर्म की छत्र छाया में ही होनी है। प्रत्येक हिंदू को तैयार रहना होगा जिससे ऐसी टिप्पणी ना हो। टिप्पणी उसकी होती है जो महत्वपूर्ण होता है। पूरे राष्ट्र को हमें राममय करना होगा। सनातन धर्म कभी नहीं मिटेगा। सनातन धर्म स्वयंभू है, जो जन्म लेता है वो मिटता है, लेकिन सनातन धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जगत गुरु के इस वक्तव्य में गौर करने वाली बात चीज ये है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग देखिए सनातन का तिरस्कार करते आए हैं, जिनकी मंशा सनातन को जड़ से मिटाना है और जिन्होंने देखिए सनातन संस्कृति से हमेशा से नफरत की है, उनका अंत निश्चित है। और ऐसे में डीएमके समेत मोदी विरोध में खड़ी 28 दलों की एकता का भविष्य में क्या होगा, इस पर देखिए जगतगुरु ने इशारों इशारों में समझा भी दिया, बता भी दिया, लेकिन आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।
कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है. दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस. आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, यह भी INDIA / घमंडिया के घटक दल हैं. फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं. याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के. गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए. और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृहमंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी. याद करिए, जनवरी 2013 UPA सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था. इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं. इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं. और यही इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. वो तो मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती. केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे. और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए. और यह जो घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म. यह कोई बाय चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म. हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश. इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश. और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से. इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन. और ये भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका. मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है. मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं, कौन सी योजना बनाई थी आपने.